जय श्री राम। प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, अगर आप भगवान के सामने रोते हो तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे आप सोच के हैरान रह जाओगे। आपका जीवन बदल जाएगा। आप किसी भी सांसारिक आदमी के भी आगे रोते हो बार बार, तो रोने से क्या होता है, अगले आदमी का हृदय पिघल जाता है। और जब किसी का हृदय पिघल जाता है तो वो तुरंत ही आपकी बात मान लेता है और आप जो चाहते हो दे देता है। फिर यहाँ तो ठहरी भगवान की बात। जब आप भगवान के सामने बैठ के पूजा करते हो, अपनी समस्या बताते हो, तो वो बताते बताते समस्या, या फिर आप बहुत ज़्यादा कई बार दुखी होते हो, तो आपको अपने आप ही रोना आ जाता है। और जब आप रोते हो, रोते समय जो आपके मन से प्रार्थना निकलती है, उस समय क्या होता है, आपका मन निर्विचार हो जाता है, क्योंकि आप इतने भाव विभोर हो गए हैं भगवान के प्यार में, भगवान के लिए, कि आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से रोना आ रहा है और आप अपनी भगवान को समस्या बता रहे हैं। तो वो जो रोते समय आप अपनी समस्या बताते हो, तो उस समय भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में उस समय कोई भी विचार नहीं है, केवल और केवल भगवान के लिए आप आंसू बहा रहे हो। तो भगवान कहते हैं, अगर कोई मनुष्य मेरे लिए एक भी आंसू सच्चे मन से बहा देता है, यानी कि जिस समय कोई भी उसके मन में विचार ना हो, तब उसके हृदय से कोई आंसू निकलता है, तो मैं उसके एक एक आंसू का बदला तुरंत देता हूँ। और ऐसे देता हूँ कि आपने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा, मैं आपका जीवन बदल दूंगा। आंसुओं के बदले आपको भगवान ऐसे अनमोल मोती देंगे जिनकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन प्यारे भक्तों, रोना प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु के लिए ही आना चाहिए, उसके प्यार में। या आपकी समस्या है तो वो भी उससे प्यार में ही, मतलब आप रो रहे हो कि आपकी समस्या उसको बता रहे हो, और रोने से आपका मन निर्मल हो जाता है, आपके पाप कट जाते हैं। और जब एक बार भी आर्त भाव से आप रो दिए, बिलख दिए उसके सामने, तो वो फिर देर बिल्कुल नहीं लगाते, वो तुरंत ही तुरंत वहाँ प्रकट होंगे। आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगेंगे। अगर आप प्रतिदिन एक बार भी उसके आगे बैठ के सच्चे भाव से रोओगे ना, तो आपका जीवन तत्काल बदल जाएगा, इसमें 1% भी संशय नहीं है। प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्तों।